तो मार्वल ने व्हाट इफ सीजन 2 का ट्रेलर निकाल के हमारे क्रिसमस के मनोरंजन का आराम से बंदोबस्त कर दिया है और वॉचर के टकले की तरह इस बार की स्टोरी लाइन्स भी क्लीन लग रहे हैं। सो वेट किसका करने का, हर यूनिवर्स जाके ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक बटन को छील दो, शुरू करते हैं। तो व्हाट इफ सीजन 2 हमें 9 एपिसोड्स के साथ 22 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक देखने मिलेगा, मतलब हर दिन एक एपिसोड। लाइक 22 वाला पहला एपिसोड होगा व्हाट इफ नेब्यूला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स, फिर 23 वाला होगा व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज, 24 वाला होगा व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस, देन 25 वाला व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर, फिर 26 वाला होगा व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉर द हाइड्रा स्टॉम्पर, 27 का होगा व्हाट इफ द अवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602, देन 28 वाला होगा व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स, ये खतरनाक होगा, फिर 29 वाला व्हाट इफ कहोरी रीसेव्ड द वर्ल्ड, एंड फाइनली हमारा सीजन फिनाले यानी 38 वाला एपिसोड होगा व्हाट इफ स्ट्रेन सुप्रीम इंटरवीन्ड। सो चलो भाई ट्रेलर से ही जानते हैं किसमें क्या देखने मिलेगा। तो पहला सीन था सेकंड एपिसोड का व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज, ये एपिसोड टेक प्लेस करेगी 1988 में, जो कि बेसिकली हमारे स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल के बचपन पे सेंट्रिक होने वाली है और इसमें हमें भाई एक्चुअली उसके सेलेस्टियल पावर्स देखने मिलेंगे, ना कि ऐसे टीज करके छोड़ देंगे। लाइक होगा क्या बेसिकली कि इसमें पीटर क्विल बचपन में ही अपने पिता ईगो से मिल लिया होगा, जिससे वो अपने पावर्स को यूज करना सीख तो लिया होगा, बट इससे वो अर्थ में ही हावक फैलाएगा, जैसे कि प्रोबेबली मेले में फैला रहा है जिसमें बाय द वे हमारे रॉकेट रकून का रेफरेंस भी था। तो उसे रोकने उस टाइम के यानी 90s के अवेंजर्स आए हैं, जिसमें बकी बांस, हैंक पिम, बिल फॉस्टर का गोलायथ, कैप्टन मार्वल वाली विंडी लॉसन की स्टार फोर्स, टिचाला के पिता टिचाका एंड थॉर होंगे। इवन इसमें हमारी पेगी कार्टर और हॉवर्ड स्टार भी देखने मिलेंगे। सो ये 90s के अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज मिलके हमारे ईगो और क्विल से लड़ेंगे। इवन एक सीन में भाई ये लोग हमारे ईगो के क्रिएटेड आर्मी से भी लड़ रहे थे। सो डेफिनेटली भाई इन दोनों सेलेस्टियल्स को हराना मुश्किल तो होगा, बट एंड में आई थिंक कुछ ऐसा होगा जिसमें क्विल ही अपने बाप को हराएगा। फिर इसके बाद हमें एपिसोड 7 यानी व्हाट इफ हेला फाउंड 10 रिंग्स के कुछ मेजर ग्लिम्सेस देखने मिलते हैं और यहाँ पे देखो स्टोरी बेसिकली ये होगी कि बहुत टाइम पहले जब ओडिन हमारे खुलेआम हेला को एज ए वेपन यूज किया करता था, तो उस टाइम एक बार उसने हेला को सांची के गांव यानी टालो को इन्वेड करने भेजा होगा, बट यहाँ पे हमारे टालो के लोगों से मिलने के बाद वो रियलाइज कर लेगी कि वो एक्चुअली में ऑल दिस टाइम रॉन्ग साइड से लड़ रही थी। सो भाई अब क्या होगा, वो साइड चेंज करके वहीं से ही ट्रेनिंग लेके टालो की एक वॉरियर बन जाती है और इवेंचुअली हमारे वेनवू जब वहां पे इन्वेड करने आते हैं तो वो मिलते हैं हेला से और इन दोनों को प्यार हो जाता है। और ये खबर जब हमारे ओडिन को मिलती है तो वो पूरा अपने गांव आर्मी को लेके आ जाते हैं हेला को वापस लेने, बट ऑब्वियसली इतने आराम से कैसे होगा। सो इस एपिसोड में हमें यही देखने मिलेगा, हमारे वेनवू और हेला मिलके अपने प्यार के नाम पर ओडिन से लड़ेंगे, पुराने बॉलीवुड स्टोरी की तरह है बट बेसिकली टालो और एस्गार्ड का फ्यूजन होगा। और हाँ इसमें हमें सांची के ग्रेट प्रोटेक्टर भी देखने मिलते हैं और नोटिस करोगे तो इनकी आंखें ग्रीन है, सो हो सकता है कि हेला इसको कंट्रोल कर रही हो बिकॉज उसके भी पावर्स ग्रीन ही है, क्या पता। तो अगला सीन हमारा एपिसोड 1 का व्हाट इफ नेब्यूला जॉइंड नोवा कॉर्प्स का था, जिससे एक बहुत ही डार्क वाइब मिली। लाइक इस वाले शॉट में देखने मिलता है कि नेब्यूला हमारी धीरे धीरे करके योंडू की बॉडी की तरफ बढ़ रही है और हालांकि इस एपिसोड के बारे में ऐसे कुछ ज्यादा पता नहीं है, बट यहाँ पे आज ही अपना पूरा नोवा वाले गेटअप में आई थी, पूरा हेलमेट वेलमेट लगा के। सो हो सकता है कि नेब्यूला को यहाँ पे ऐसा कोई मिशन दिया गया हो जहाँ पहुंचने के बाद उसे ये पता चले कि ये एक्चुअली में एक एम्ब्यूज था और जिन लोगों ने यहाँ पे योंडू को टपकाया तो वही ही उस पे अटैक कर दें। Maybe. फिर अगला सीन हमारा एपिसोड 6 का था व्हाट इफ अवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602, एंड भाई ये वाला एपिसोड खतरनाक होगा। लाइक ना कि ओनली इसमें बिकॉज हमारी स्कारलेट विच वापस आ रही है, मतलब हमारी वाली नहीं उसकी एक अलग वेरिएंट और वो भी 1602 की। ये एपिसोड बेसिकली हमारे मार्वल के एक लिमिटेड सीरीज मार्वल 1602 पे बेस्ड होगी, जिसमें होता क्या है कि सारे हीरोज एक्चुअली में 400 साल पहले ही पैदा हो गए थे, जिसे एलिजाबेथन एरा बोला गया था। सो इस एपिसोड में भी हमें कुछ ऐसे ही देखने मिलेगा, लाइक हमारे हल्क, कैप, सैब, स्पाइडरमैन सारे 1602 के पीरियड में उसी अंदाज में थ्रेड्स का सामना करते नजर आएंगे, जिसका एक मेजर हिस्सा हमारी स्कारलेट विच भी होगी, बट विलन ने एज ए हीरो। फिर इसके बाद फाइनली हमें वॉचर के दर्शन होते हैं, ये अपने फिफ्थ डिमेंशन में खड़े ये बोलते दिखते हैं कि मैं सीक्वल देखो बनाता नहीं, बट मल्टीवर्स में चीजें थोड़ी ऐसे ज्यादा उलट चुकी हैं कि बनाना पड़ा, समझो बात को। और इसी में हमें एपिसोड 4 के व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर के भी कुछ ग्लिम्सेस देखने मिलते हैं और देख के लग रहा है कि प्रोबेबली इस बार हमारे थॉर की जगह टोनी आके सकार में गिरा होगा, और कैसे और क्यों ये तो भाई देखने पे ही पता चलेगा, बट यहाँ पे हमारे ग्रैंड मास्टर ने इसे भी उठा के अपने किसी बिना हाथ पैर वाले किसी गेम में
डाल दिया होगा, जो कि थॉर के टाइम में हल के साथ एक पिट फाइट था, तो टोनी के टाइम में अपेरेंटली एक डेथ रेस होगी। और इस रेस को और भी रैपचिक नहीं रोमांचिक बनाने के लिए इसमें टोनी के अगेंस्ट हमें प्रोबेबली गमोरा, वैल्किरी और कॉर भी देखने मिलेंगे। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स भी देखने मिले, जैसे कि साइबोर्ग रॉकेट रखो या इसने सूट पहना ही नहीं पता। फिर थानोस और स्टीव का वो इन्फिनिटी वॉर वाला फेस ऑफ भी था, बट अगला सीन हमारा एपिसोड 8 का था, व्हाट इफ कहोरी रीसेट द वर्ल्ड। और ये एपिसोड भाई बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये ना कि ओनली एक न्यू सुपर हीरो कहोरी को इंट्रोड्यूस करेगा, बट ऑल्सो सर इसमें हमें ये भी देखने मिलेगा कि व्हाट इफ अगर टेसरैक्ट हमारा हाउडी नो सोनी कॉन्फेडरेसी में गिरता अमेरिका के भी बनने से पहले, तो उस टाइम की सिविलाइजेशन उससे कैसे अफेक्ट होती। और इस न्यू सुपर हीरो की बात करें तो ये बेसिकली कहोटी नाम के क्लैन से होने वाली है, जिसे टेसरैक्ट से ही पावर्स मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हो ये स्पेस पोर्टल्स भी खोल सकती है, मतलब स्पेस और टाइम में जहां भी चाहे आराम से जा सकती है, और मे भी भाई जाती भी है, बिकॉज अगर नोटिस करोगे ना तो एक सीन में ये कैप्टन कार्टर के साथ है, और रंगोली खेलने के लिए नहीं, ये दोनों प्रोबेबली एक अलग डिमेंशन के थानोस से मिलते हैं। और क्यों तो नहीं पता, बट कैसे का आंसर शायद मैं दे सकता हूँ। रिपोर्ट्स मिले थे कि कहोरी सीरीज की एक मेजर कैरेक्टर होने वाली है, जैसे कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अमेरिका चावेज थी, सो हमारे लास्ट नाडा फिनाले एपिसोड में हमारे खुद स्ट्रेन सुप्रीम और वॉचर गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के साथ मिलके कहोरी को एक मल्टीवर्सल थ्रेट से बचाने का ट्राई करेंगे, जो कि मे बी इस बार थानोस होने वाला है। बेसिकली समझ लो जैसे कि हमारे डॉक्टर बाबू ने चावेज को स्कारलेट विच से बचाया था, तो एग्जैक्टली वैसे ही, बट ये लोग यहाँ पे बचा पाएंगे कि नहीं ये तो भाई गारंटी नहीं है। देन लास्ट वाला सीन हमारे एपिसोड 3 का था, व्हाट इफ हैप्पी सेव्ड क्रिसमस, जो कि नाम से ही लग रहा है कि प्रोबेबली एक क्रिसमस थीम्ड एपिसोड ही होने वाला है, जिसमें प्रोबेबली हो सकता है कि अवेंजर्स हमारे बिजी होंगे, तो हमारे हैप्पी होगन को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और ट्रेलर आपको देख के क्या लगा, क्या आपके थ्योरीज हैं, क्या थॉट्स हैं, डेफिनेटली बताएं। और ऐसे ही रैपचिक रैपचिक ब्रेकडाउन्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लोकी सीजन 2 के क्वेश्चंस रिलेटेड एक बहुत ही ऑसम सा वीडियो आने वाला है, सो उसे मिस मत करना। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।